ओम साई राम, साई की चिट्ठी आपके नाम। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मेरे ऊपर से भरोसा करना क्या छोड़ दिया? मैं देख रहा हूँ आजकल काला जादू पे तुम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। इधर भटकना, उस बाबा के पास जाना, इस बाबा के पास जाना, क्यों मेरे ऊपर भरोसा नहीं? ये काला जादू पर तुम कब से भरोसा करने लगे हो ये बताओ मुझे। क्या साई सच्चरित्र में इस बात का वर्णन किया गया है कि काले जादू में शक्ति होती है? क्यों भाग रहे हो, खुद से या मुझसे, या मेरे पर विश्वास नहीं? मैंने जब तुम्हें वचन दिया है, जब तुम मुझसे जुड़ गए हो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, तो तुम इन बाबाओं के चक्कर में कैसे फंस गए हो? इन बाबाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो? किसी ने टुटका बता दिया, तुम टुटका करने पहुंच जाते हो। किसी ने नींबू मिर्चा, किसी ने उतारा बता दिया, तो क्या ये सही बातें हैं? क्या मुझसे बड़ा है ये सब? क्या मैं कुछ करने में असमर्थ, मतलब ये सब करने में मैं असमर्थ हूँ? तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकता? मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं हूँ, या मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता? ये बाबाओं पर, जादू टोनाओं पर तुम क्यों भरोसा करने लगे हो? ये तुम्हारी आंखों का भ्रम है। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ईश्वर आपके सारे संकटों को पार करता है, आपको गले से लगाता है। जो आपके जीवन में समस्या आती है वो आप खुद लाते हो अपने बुरे कर्मों की वजह से। और फिर ये बाबा, वो बाबा, ये उतारा, वो उतारा, वो काला जादू, वो ब्लैक मैजिक, इस पे भरोसा करने लगे हो तुम। क्या तुम्हारा जीवन इस पर आश्रित हो गया है? साई सच्चरित्र पढ़ो मेरे बच्चों, साई जाप माला करो। जो साई साई का नाम स्मरण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर उधर मत भागो। मैं ब्रह्मांड का नायक हूँ, मैं कणकण में वास करता हूँ। मैं तुम्हारी मन की चंचलता को भी देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे दुखों को भी समझता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, धैर्य रखो, सब्र रखो, मुझ पर विश्वास करके तो देखो। इधर उधर मत भागो, स्थिर हो जाओ, मन की चंचलता को दूर करो, शांत हो जाओ, शांत मन से मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। ओम साई राम।